हेलो एवरीवंस, आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक पाठशाला में। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। फ्रेंड्स, आज हम लास्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड का, और इसी सेशंस में हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा के। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है आपके डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड का, और इसी के साथ आपका सिलेबस का भी आखिरी चैप्टर यही है। ठीक है, और यहीं पर आपका सिलेबस हो जाता है कम्प्लीट, पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मैक्सिमा और मिनिमा की, आपके वेटेज की बात करता हूँ, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। हर साल दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा से दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं, हर साल आपके एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं। और लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपका टफ होता है जो आपके 5 मार्क्स में चले जाते हैं, और एक क्वेश्चन ईजी होता है जो आपके 2 मार्क्स में आ जाते हैं। तो आज हम उसी चीज़ को समझेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो हमने सोचा कि मैक्सिमा और मिनिमा के टॉपिक्स को आज पूरी तरह से कंप्लीट कर ही देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स मैक्सिमा और मिनिमा को जानने से पहले, इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आपका आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, हिंदी में आप उसको कहते हैं वर्धमान और ह्रासमान। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, वर्धमान मतलब कि किसी फंक्शंस के वैल्यू में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा। या किसी वैल्यू के फंक्शन में, उनके वैल्यू के फंक्शन में, किसी फंक्शन के वैल्यू में डिक्रीमेंट दिखता है यानी डिक्रीज करता है वैल्यू, उसे हम ह्रासमान कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक काम करते हैं, टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं टेक्निकल डेफिनेशन। यदि कोई फंक्शन, यदि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स का कोई फलन या फंक्शन है तो किसी अंतराल पर, मतलब किसी कुछ समय बाद, किसी अंतराल पर, अंतराल पर x के मान में वृद्धि मिलती है तथा इसी के साथ y के मान में भी वृद्धि मिलती है, तो ऐसे फंक्शंस को, ऐसे फलन को, उस अंतराल का, वर्धमान फलन कहते हैं। ओके, ठीक है, यही डेफिनेशन होता है। और अगर ह्रासमान की बात करें तो y की मान में कमी मिलती है, मतलब y के मान में कमी मिलती है यानी कि y का मान घटने लगता है, तब हम उसे कह देते हैं वर्धमान नहीं कहेंगे, ह्रासमान कहेंगे। अब आता है फ्रेंड्स कि हम इसके रूल्स को जान लेते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसका रूल्स क्या होता है उसको हम जान लेते हैं, कब हमारा फंक्शंस इंक्रीजिंग फंक्शंस कहलाएगा, कब हमारा डिक्रीजिंग फंक्शंस कहलाएगा, उसके बारे में हम जान लेते हैं, कुछ रूल्स हैं। ठीक है, ठीके?
यदि किसी बिंदु पर बिंदु x1, y1 पर ठीक है dy/dx ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आती है उसे हम क्या कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस या वर्धमान कहते हैं इंक्रीजिंग वैल्यू या वर्धमान कहते हैं यदि dy/dx लेस देन 0 और निगेटिव मिले तो इसको डिक्रीजिंग या हरास मान कहते हैं ओके तो ये रूल्स होते हैं ये तब समझ में आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसका तो आइए एक क्वेश्चंस देख लेते हैं ये इस पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं बेसिकली आपके क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमा और मिनिमा पर ही आते हैं ठीक है तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं तो ये रहा हमारा क्वेश्चंस क्या क्वेश्चंस बोल रहा है वे अंतराल ज्ञात करो जिनमें फंक्शन 2x³ - 15x² + 36x + 1 वर्धमान है या ह्रासमान है तो ठीक है हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है कि कब होगा किस इंटरवल पर हमारा वैल्यू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा ठीक है तो उसे हम देखेंगे तो सबसे पहले फ्रेंड्स फंक्शंस को नोट करते हैं एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारा क्या 2x³ - 15x² + 36x + 1 ठीक है अब हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमने नोटेशन बताया था f'x लिख देखते हैं तो ये हमारा 6x² हो जाएगा और ये -30x हो जाएगा और ये हमारा 36 हो जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम 6 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे बच रहा है 6x² - 5x + 6 ठीक है तो ये देखिए हमारा फैक्टर बन जा रहा है x² - 3x - 2x + 6 तो यहाँ से हमारे पास बच रहा है क्या x - 3 और x - 2 या आप इसको इस तरह लिख लीजिए 6x - 2 and x - 3 ठीक है इतना आप कर लीजिए अब फ्रेंड्स कब हमारा वो कौन सा अंतराल होगा जिस पे हमारा वैल्यू क्या आएगा इंक्रीजिंग आएगा ठीक है तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर हमारा जैसे कि हमें पता है वर्धमान के केस में हमारा क्या होगा वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए वर्धमान के केस में हमारा वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए ठीक है पॉजिटिव होना चाहिए कैसे पॉजिटिव होगा ये भी हम देख लेते हैं ठीक है क्या कहने का मतलब है ये भी हम देख लेते हैं ठीक है जब हमारा वैल्यू x - 2 लिखा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तथा x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा ठीक है x का वैल्यू 2 से बड़ा और 3 से बड़ा 2 और 3 दोनों से बड़ा होगा तब जाकर हमारा जो फंक्शन आएगा वो पॉजिटिव में आएगा ठीक है तब वो हमारा फंक्शन पॉजिटिव में आएगा तो वर्धमान होगा तब जाके वो हमारा फंक्शन वर्धमान या इंक्रीजिंग वैल्यू होगा ठीक है वर्धमान होगा ठीक है पॉजिटिव होगा तब ठीक है तो यहाँ से जो हमारा अंतराल निकलता है फ्रेंड्स ठीक है x की वैल्यू 2 से छोटा नहीं हो रही है
दो पर जाकर रुक जा रहा है, ठीक है, दो से बड़ा होगा। अब दो से बड़ा इनफाइनाइट भी आ सकता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट कॉमा टू तथा इनफाइनाइट कॉमा थ्री, ये दो अंतराल हमारा निकल कर आते हैं, ठीक है। कुछ मिस्टेक है, क्या है मिस्टेक, एक मिनट। हाँ, ये इस तरह का केस होगा, तब ये हमारा वर्तमान केस होगा, x लेस देन टू और x ग्रेटर देन थ्री, तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो हमारा यहाँ पे अंतराल निकल कर आएगा, क्या क्या निकल कर आएगा, माइनस इन्फिनिटी कामा टू और थ्री कामा इन्फिनिटी, यहाँ तक आएगा, ठीक है। एक अंतराल निकल गया, तो ये हमारा वर्धमान कहलाएगा, इनके केस में हमारा वैल्यू वर्धमान आएगा। अगर हमारा फंक्शंस, ठीक है, टू लेस देन एक्स लेस देन थ्री है, तो हमारा जो फंक्शंस होगा वो निगेटिव आएगा, और यहाँ से हमारा जो फंक्शंस बनेगा वो अंतराल बन रहा है 2,3, और यही हमारा ह्रास मान होगा, 2,3 पे हमारा ह्रास मान होगा, ठीक है। ओके, तो ये सिंपल है। देखिए फ्रेंड्स, इस पर क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक है, इस पर बेस कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, अगर नहीं आता है समझ में तो, ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ इसको, रफ करके अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, मैक्सिमा और मिनिमा की तरफ, लास्ट सेशन है आपके कॉन्सेप्ट का, ठीक है। और फ्रेंड्स, हम सोच रहे हैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर करा दूं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कितने लोग चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम सीधे सीधे रिस्ट्रिक्शन को जानेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के, क्योंकि डेफिनेशन वगैरह समझने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप समझा भी दे रहा हूँ तो मैं बता दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई फंक्शंस है, ठीक है, कोई भी फंक्शंस, ठीक है, आपका यहाँ से फ्लक्चुएट करके इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और ये हमारा डी है, और ये हमारा ई है, और ठीक है, ये जो हमारे फंक्शंस होंगे ये मैक्सिमा है, ठीक है, ये हमारे मिनिमा है, और जहां से मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा से मिनिमा की तरफ टर्न करना, उसे हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो केवल हम रिस्ट्रिक्शन जानेंगे, डेफिनेशन मैटर नहीं करता है, रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, उसको हम जानते हैं।
कब हमारा वैल्यू मैक्सिमा होगा, कब मिनिमा होगा, उसके बारे में हम जानते हैं। अगर हम रिस्ट्रिक्शन लिखेंगे ठीक है, यदि dy by dx 0 तथा d2y dx2 पॉजिटिव आता है ठीक है, तो हमारा मैक्सिमा होता है और मैक्सिमम वैल्यू इसी पर फाइंड आउट होती है। यदि dy by dx 0 तथा d2y by dx3 negative, इसको हम मिनिमा कहते हैं ठीक है। यदि हमारा dy by dx ठीक है, dy by dx इक्वल टू 0 हो जाए तथा d2y by dx3 बराबर 0 हो जाए, तब हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तथा अगर हमारा d3y dx3 0 ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं ठीक है। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं ठीक है। तो ऐसे बिंदु को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ। इसका क्या मतलब हुआ? इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब वो वैल्यूज ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा ठीक है, नति परिवर्तन ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे? dy चौथा डिफरेंशिएशन करेंगे, फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर वहाँ पे फोर्थ ऑर्डर में हमारा डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो वो मैक्सिमा होगा, निगेटिव आता है तो मैक्सिमा होगा, और पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होगा ठीक है ओके। लेकिन थर्ड वाले केस में हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है और वहाँ पे हमारा वैल्यू ना तो मैक्सिमा होता है ना ही मिनिमा होता है ठीक है। यही हमारा टॉपिक था जो हमें बताना था, और इससे हार्ड कुछ भी नहीं है, और मैक्सिमा और मिनिमा आपका टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो गया है ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे ताकि क्वेश्चंस कर लें, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, इस पे भी आपके दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक बनेगा आपका मैक्सिमा और मिनिमा पता करने के लिए, और एक क्वेश्चन बनता है आपका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा आपको मिलता है तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करोगे वह पूछता है। तो दो तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। तो आइए हम दो तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे और समझेंगे। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चंस ठीक है। क्या पूछा है? एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए ठीक है। वैल्यू पूछा हुआ है, और जब वैल्यू पूछ रहा है तो इसका मतलब हमें ये भी बताना है कि मैक्सिमा और मिनिमा किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पे मिनिमा होगा ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है। तो हमारे पास वाई दिया है, क्या दिया है? एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन।
ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो रख के देखते हैं एक्स की क्या वैल्यू आती है। जीरो रखने पर तो यहाँ पे अगर रखते हैं तो हमारे पास होता है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल्स टू जीरो। ओके, आर थ्री की चौबीस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स माइनस एट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमारा फैक्टर करने आता है आप लोगों को, थ्री एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स इस प्लस टू माइनस फोर ये हो गया। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू क्या निकल रही है, हमारे पास दो वैल्यू आ रही है माइनस टू और फोर बाई थ्री। एक्स की वैल्यू मिल गई, अब d2y और dx2 देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं पॉजिटिव आता है कि नहीं। पॉजिटिव देखते हैं तो ये हो जाएगा 6x प्लस टू, ठीक है ठीक है। अब हम x बराबर माइनस टू रख के देखते हैं, रखने पर ठीक है तो d2y 6 इंटू माइनस टू प्लस टू तो माइनस ट्वेल्व प्लस टू माइनस टेन कितना आ गया, निगेटिव आ गया। मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या आया हमारा, निगेटिव आया। निगेटिव का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू यहीं पे मिलेगी। निगेटिव का मतलब ये हमारा मैक्सिमा पॉइंट कहलाएगा, मैक्सिमा पॉइंट कहलाएगा ठीक है। और हमारी यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेन इक्वेशन में हम सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, उस वैल्यूज़ को पुट करेंगे जहाँ पे हमारा वैल्यू निगेटिव आया है उसको हम पुट करेंगे। तो पहले इसको देखते हैं, मैक्सिमम पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है 2q प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 माइनस 2 अब प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से आ गया माइनस एट प्लस फोर प्लस सिक्सटीन प्लस वन, तो कितना हो गया 20 21 और माइनस 18 कट गया जाएगा, तो 21 में से 18 कट गया जाएगा तो 13, मैक्सिमम वैल्यू 13 आया हमारा ठीक है। अब इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, इसी प्रकार हम x बराबर 4/3 रख के देखेंगे। x बराबर 4/3 रखने पर देखेंगे d2y टू वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, d2y टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू 6 इंटू 4 बाई 3 प्लस 2, 3 टू जा 6 8 दो 10 प्लस 10 आ रहा है। इट मीन्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या, 4 बराबर 4 बाई 3 रखने पर पॉजिटिव आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा ये जो पॉइंट होगा वो मिनिमा पॉइंट होगा और यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी,
इज इक्वल्स टू हम रख देते हैं पूरा यहाँ से हो जाएगा 4/3 का होल क्यूब प्लस 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 8 × 4/3 एंड प्लस 1, ठीक है प्लस 1। अब हम देखते हैं क्या आता है, 16 × 64 64/27 प्लस 16/9 माइनस 32/3 एंड प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 27 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 64 रहने देते हैं प्लस 9 × 3 = 27 16 × 3 = 48 रहने देते हैं, लिख देते हैं 3 × 9 = 27 9 × 2 = 18 और 9 × 3 = 27 27 × 28 = 288 प्लस 27, देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्या आंसर आएगा इसका। इसका आंसर आएगा आपका 1 यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक 149/27 यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद सेशन को क्लोज करते हैं, और इसी के साथ आपका डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 75% कोर्स आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, और मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आप चाहते हो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कितने लोग चाहते हैं कि होना चाहिए डिस्कस, तब जाके मैं उसके बारे में सोचूंगा, अदरवाइज देखता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है फ्रेंड्स। बोल रहा है सिद्ध करो कि 1/x^x का मान महत्तम मान 1e^1e है, ठीक है। तो आइए प्रूफ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास y = 1/x दे दिया है, मैक्सिमा वैल्यू को बोला है e^1e है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, तो ये लॉग y हो जाएगा, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x (log)(1/x), ठीक है ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं log y = x (log)(e−log)(1)-log x, और इस तरह हमारे ये log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यह log x हो जाएगा −x log x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड में, तो 1/y dy/dx = −x (1x)+log x, ये हमारे पास बच रहा है, इधर से कैंसिल आउट 1/y dy/dx = हो गया −(1+)log x, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1/y dy/dx − log 1 को लिख सकते हैं log e, 1 को वैल्यू को हम लिख सकते हैं log e + log x। तो यहाँ से हमारा हो जाता है वैल्यू क्या, यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाता है 1/y dy/dx = होता है −log(ex) हो जाएगा, तो dy/dx की वैल्यू हमारी क्या मिल जा रही है −log(ex) −y log ex,
ये मिल जा रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स जीरो रखने पर देखते हैं क्या मिलता है x की वैल्यू, ठीक है। अगर हम जीरो रखते हैं, ठीक है, तो हम इस वाले इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो सीधे जीरो हो जाएगा और हमारे पास बचता है माइनस लॉग ई एक्स, ठीक है। और जीरो का मतलब यहाँ पे हमारा हो जाता है लॉग वन माइनस लॉग ई एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर जीरो है तो आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से जीरो माइनस हट जाएगा तो लॉग ई एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से वन इक्वल्स टू ई एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारी e की वैल्यू आ जाती है वन बाई एक्स, e की वैल्यू हमारी आ गई वन बाई एक्स, ठीक है। अब हमारा काम हो गया आसान। अब हम कुछ नहीं करेंगे, डी टू वाई एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले फंक्शंस को तो हमारे पास होता है डी टू वाई वाई डी एक्स टू। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आता है निकल कर y इंटू वन बाई यू वी वाला प्रोडक्ट रूल अपना देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा और चैन रूल भी अप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे log e x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये हो गया। और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है तो हम उसको पुट कर देंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू। यहाँ से हमारे पास बचता है वैल्यू ई वाई बाई ई एक्स लॉग ई एक्स इंटू माइनस वाई लॉग ई एक्स, ये मिलकर हमारे पास आता है, ठीक है। यही हमारे पास वैल्यू आता है, ओके। ये माइनस है, ठीक है। एक काम करते हैं फ्रेंड, ई कैंसिल आउट हो गया और माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, माइनस वाई कॉमन, वाई को कॉमन ले लिए तो माइनस वाई यहाँ बचता है वन बाई एक्स और अंदर बचता है लॉग यहाँ पे लॉग ई एक्स पहले से है और लॉग ई एक्स अभी भी है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, कुछ ठीक है, इतना हो गया, कोई टेंशन बात नहीं है। मैं जानबूझ के आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, लास्ट सेशन है तो बढ़िया से पढ़ा दिया जाए, ठीक है। माइनस लॉग ई एक्स पे पावर टू हो गया, ओके। अब वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिखा था, वन बाई एक्स पे पावर एक्स, तो हम पुट कर देते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस वन बाई एक्स पे पावर एक्स ब्रैकेट में वन बाई एक्स, ठीक है। और ई को हमारा क्या वैल्यू निकला हुआ था, वन बाई एक्स, तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं और लॉग ई की जगह पे हम लिखते हैं वन बाई एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट, वन हो जाएगा, वन का जीरो हो जाता है तो हमारे पास डी टू एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, ये हो गया और ये हो गया। तो अगर हम वन बाई एक्स अंदर इंट्री करता है तो
तो एक्स प्लस वन हो जाते हैं, यही होगा, आई होप यही होगा। इतना हो गया, ये माइनस ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, सब कुछ ठीक है, निगेटिव में वैल्यू आ रही है हमारी, यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि निगेटिव में वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x बराबर x बराबर क्या रखेंगे, 1 बाई ई रखेंगे, कहाँ से, इस वाली इक्वेशन से x बराबर 1 बाई ई रखेंगे, तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू निगेटिव 1 बाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेगा 1 बाई ई प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है फ्रेंड्स, आपका यहाँ से पता चल रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, डी टू वाई डी एक्स की वैल्यू, थोड़ा ऊपर लिख दूँ, कहाँ यहाँ पे स्पेस है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू निगेटिव आ रही है x बराबर 1 बाई ई रखने पर, ठीक है, निगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये हुआ जो महत्तम मान यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है महत्तम मान फंक्शंस का वो सही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, अतः हैंस ई रेस टू पावर 1 बाई ई इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑफ दिस फंक्शंस, ठीक है, ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, इस फंक्शंस का ई पे पावर 1 बाई ई महत्तम मान को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि उसे वैल्यू रखने पर डी टू वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निगेटिव आ रही है, ठीक है। झमेला करने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन जब इसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम सेटिस्फाइड करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम मिनिमम नेचर पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव और निगेटिव पर, ठीक है। जब हमारा पॉजिटिव होगा मिनिमा होगा, मैक्सिमा के लिए निगेटिव होना चाहिए। तो ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस था, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका क्या हुआ, डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड का सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, और आपका ओवरऑल सिलेबस भी 75% कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप इन्हीं 75% को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा, आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर कहीं भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इस कोर्स का बेनिफिट ले सकें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।